नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बैतूल में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत मशाल रैली में हुए शामिल। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम प्रमंडल से संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत आज ताप्ती नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद किसान स्तंभ पर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पूर्व रेलवे स्टेशन रोड स्थित शहीद स्मृति के किसान कुटीर से मशाल रैली निकाली गई। 12 जनवरी को मुलताई गोलीकांड के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। उक्त गोलीकांड में 24 किसान शहीद हुए थे, जिनको हर वर्ष श्रद्धांजलि दी जाती है, जिसमें देश के कई किसान मोर्चा और संगठनों के नेता पहुंचकर कार्यक्रम में शामिल होते हैं। राकेश टिकैत रात में मंडल पहुंच गए थे, जहां शहीद मनोज चोरे के घर पर रात्रि विश्राम कर सुबह शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर रैली के साथ मुलताई आकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देकर किसानों को संबोधित किया। बैतूल जिला संवाददाता मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। अब जैसे कि आज जो आप ताप्ती नगरी मुलताई पहुंचे, कल 12 जनवरी है, शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देंगे, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप जो आज मुलताई आए। देखो, ये यहां पे 24 किसान शहीद हुए थे आज से 25 साल पहले, और बड़ी घटना थी और पुलिस फायरिंग में मारे गए। ये नहीं कि कोई एक्सीडेंट गाड़ी का हुआ, उससे हुई पुलिस फायरिंग से सामने से गोलियां चलाई भीड़ में, और 25 लोग यहाँ 24 लोग शहीद यहाँ पे हुए। और ये जहाँ गांव में हम हैं, यहाँ एक इसका मुख्यालय होता था, आज जगह जगह गांवों में और शहर में आप देखोगे तो शहीद स्मारक बने हुए हैं। उसी प्रोग्राम में यहाँ पे शामिल होने आए आज यहाँ पे रात्रि के टाइम पे, क्योंकि बाहर के लोग आए तो मशाल जुलूस निकाला, शहीद स्मारक पे गए। आज गांव में जो हमारे शहीद एक मनोज थे, जो मिलिट्री में शहीद हुए, उनके परिवार के पास में भी यहाँ पे आए। उनके पिताजी है, उनका परिवार है, ये उस कमेटी के मेंबर हैं, और अभी बहुत लोग वे हैं कि जो उस आंदोलन में शामिल थे, तो हम शहीदों को याद करने यहाँ पे आए। धन्यवाद।